पटना सिटी कबीर मठ चुटकिया बाजार में आज सत्संग सभा आयोजित की गई, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों के मठ के अनुयायियों ने भाग लिया। इस सत्संग में बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय, पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव मौजूद रहे। कबीर सत्संग में सभी कबीर के अनुयायियों ने कबीर के सत्यवाणी को समाज के बीच रखा। उन्होंने कहा कि पटना सिटी सभी जमीनों का हो रहा है सर्वे, सभी जमीनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। नदी तालाब या धार्मिक संस्थान की जमीनों का कब्जा भूमाफिया न करे, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने पटना सिटी स्थित मालसलामी में एक कार्यक्रम में कहा। उन्होंने बिहार के 12 करोड़ जनता से अपील किया है कि धार्मिक संस्थान का जमीन बिक्री या उस पर भूमाफियाओं का कब्जा हो उससे हमें सूचित करें, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें हर हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले समय में ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि कोई भी धार्मिक संस्थान की संपत्ति नहीं बिकेगी। सोना रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। वो सब बड़ा मानता है, जब धरती पर आते हैं तो गुरु से हमारा भेंट पहले होता है, और हम मानते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु है। गुरु साक्षात आपको दर्शन देते हैं, गुरु हमेशा साक्षात आपको समझाते और बताते हैं, और कहा भी गया है कि भगवान से बड़े गुरु है। पहले गुरु का सम्मान, गुरु का पांव पखारा जाता है, तब भगवान की पूजा अर्चना। आयोजन किया गया, क्या मकसद है सर इसका? देखिए, संत कबीर दास जी ने इस देश के अंदर भेदभाव, छुआछूत, जात पात के खिलाफ जो जागृति पैदा की, अपने अमृत वाणी के माध्यम से जहाँ उन्होंने समाज में समरसता पैदा करने का काम किया, वहाँ साथ साथ समभाव से लोग रहें, ये भाव भी लोगों में प्रकट किया है। आज इस कबीर मठ के आश्रम में हम कबीर वाणी के माध्यम से समाज के अंदर उसी भाव को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ मानव शास्त्री जी को, जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन करके पटना सिटी में भी कबीर वाणी को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। ये आने वाला समय कोई भी मठ मंदिर का जमीन हड़प नहीं पाएगा, कोई भी संस्था का जमीन हड़प नहीं पाएगा। हड़पने के लिए जो भाई का भाई जमीन हड़प रहा है, इन वैसे बेईमानों पर नकेल कसने की तैयारी मैं कर रहा हूँ। तमाम बिहार के अंदर जितने भी 12 करोड़ जनता है, से मेरा अपील होगा कि अब बेईमानी आपकी नहीं चलेगी, अब आपको ईमानदारी से काम करना होगा। सर्वे का काम चल रहा है, तमाम चीज़ हम डिजिटल कर रहे हैं, जो आपके द्वारा कहीं ना कहीं मठ में मठाधीश के कारण, भाई मंदिर में भाई के कारण लोग आपस में अपना ही जमीन हड़पा हड़पी कर रहे हैं, ये सब चीज़ पर नकेल की तैयारी मैं कर रहा हूँ। सब ऑनलाइन सिस्टम बनाऊँगा, पोर्टल पकड़ूँगा, और आने वाला समय अगर मैं मंत्री रहा आगे भी और मेरा संस्थान, मेरा सरकार रही निश्चित रूप से, तो मैं आने वाले समय में मैं ऐसी भी व्यवस्था करूँगा कि मठ मंदिर की जमीन कोई बेच ना सके। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर